अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मेरी सारी किचन क्वींस। उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको एकदम यूनिक, बहुत ही आसान, क्रिस्पी करारे रमज़ान स्पेशल अफ्तार की जान बहुत ही मज़े के समोसा की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो आप सबको बेहद पसंद आएगी। इतने ये क्रिस्पी करारे और बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होंगे। एक बार इसको आप बना के पूरा रमज़ान इसको अफ्तार में आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। चलते हैं अपने बहुत ही यूनिक, बहुत ही आसान, बहुत ही क्रिस्पी करारे और बहुत ही मज़े के समोसा की रेसिपी बनाने के लिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, समोसा की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग को तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलुओं को मैंने छील लिया, छील कर इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। आलुओं को हमने बारीक बारीक कट करना है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं करेंगे। ये देखिए जी, सारे आलुओं को हम इसी तरह बारीक बारीक कट कर लेंगे। आलू हमारे कट हो गए हैं, अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए एक देगची में मैंने ये देखिए पानी लिया, पानी में इनको आलुओं को धोकर अच्छी तरह हम बॉईल कर लेंगे। ये देखिए आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। अगर हम ऐसे बड़ा बड़ा डालते तो जल्दी हमारे बॉईल नहीं थे होने, इसलिए हमने बारीक बारीक इसको कट करके डाला ताकि हमारे ये जल्दी और बहुत आसानी से बॉईल हो सकें। अब हम सारे आलुओं को पानी के अंदर से निकाल लेते हैं। आलुओं को हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। हमने इसको बारीक वाला मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मोटा ही इसके चंक्स अंदर रखेंगे आलुओं के। यकीन माने ये अफ्तार की जान है, इतने मज़े के ये बनके रेडी होते हैं, आप सबको बेहद पसंद आने वाले हैं। इसके अंदर हम क्वार्टर टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, क्वार्टर टीस्पून ही काली मिर्च डालेंगे, क्वार्टर टीस्पून ही इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, क्वार्टर टीस्पून ही इसके अंदर नमक डालेंगे, क्वार्टर टीस्पून ही इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। सारे मसाले डालकर अच्छी तरह हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, इसको एक साइड पे करते हैं। अब ये मैंने समोसा वाली पट्टियाँ ली हैं, ये देखिए एक तो रोल वाली होती हैं लेकिन आपको समोसे वाली पट्टियाँ लेनी है। इसको हम उतार के एक हम पहले नीचे रखेंगे, ऊपर हल्की सी इसके हम स्लरी लगाएंगे मैदे की और पानी की, फिर दोबारा से एक इसके ऊपर रखेंगे। सेंटर में हमने जो स्टफिंग तैयार की है वो रखेंगे और इसको और भी ज़्यादा क्रीमी और मज़े का बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए जी, हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का बॉक्स समोसा बन के रेडी हो गया। इसी तरह हम दूसरा भी बना के रेडी कर लेंगे। ये पोटैटो बॉक्स समोसे इतने मज़े के लगते हैं, बच्चों के तो ये फेवरेट बनने वाले हैं, इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जो अंदर मायोनीज का टेस्ट आता है उससे तो इतने लाजवाब और इतने ये और भी मज़े के लगते हैं। एक बार इस तरीके से आप बना के बच्चों को अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा। इनको आप बना के पूरा महीना एयरटाइट कंटेनर में या जिप्लॉक जो बैग है उसमें डालकर रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होंगे। निकालें, इनको फ्राई करें और अफ्तार में इंजॉय करें। ये देखें, इस तरह का कोई भी आप ले लें,
ये पूरा महीना आपके आराम से चल जाएंगे, ज़रा भी ख़राब नहीं होंगे। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर आसानी से जितने आएंगे उतने ही डालेंगे, ज़्यादा हमने बर्तन को ओवन नहीं करना। इनको हम मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, ताकि ये अंदर तक पकें, इसलिए हम मीडियम लो फ्लेम पे ही इनको फ्राई कर लेंगे। इसी जगह पे एक बात आपको याद करवाती जाऊँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह की यूनिक और बहुत ही आसान और बहुत क्रिस्पी करारी रेसिपी बनाना सिखाया करूँ, ताकि हर कोई अपने घर में आसानी से बनाकर अपनी फैमिली को खिला सके। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से कितना प्यारा यूनिक सा कलर आना स्टार्ट हो गया, बस हमें इतना ही चाहिए। अब हम मीडियम हाई फ्लेम पे इनको थोड़ा सा और ब्राउन कर लेंगे। देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितने ये क्रिस्पी और कितने ये लाजवाब बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सबकी फेवरेट रेसिपी बनने वाली है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको आप केचप के साथ, मायोनीज के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ भी सर्व करेंगे, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएंगे और सब इतने खुश होंगे ये खाकर। बच्चों के लिए तो ये स्पेशल रेसिपी है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये यूनिक स्टाइल के क्रिस्पी करारे पोटैटो समोसा की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।